इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू के गुजरनगर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये रेड जोन की कैटेगरी में आता है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से गुजरनगर इलाके को सील कर दिया गया है, पूरी तरह से पाबंदियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात हैं बहुत स्ट्रिक्टली लोगों को समझाते हैं और घरों से बाहर बिना किसी रीज़न के नहीं आने देते हैं। अगर कोई आता है तो उसे यहीं से लौटा दिया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ कुलदीप जी नायब तहसीलदार मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं इस रेड जोन इलाके में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जी गुलिस्तान न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सर कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ जो रेड जोन इलाका है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कोई अननेसेसरी लोग जिनको बिना काम काज के लोग घूमते हैं उनको हमने बिल्कुल पाबंदी लगाई है, वो अपने घरों में रहें क्योंकि जो वायरस कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके बचने का एक ही तरीका घर में बैठे रहें। जो एसेंशियल सर्विस है जैसे किराना है, दूध है, सब्जी है, वो उनको अवेलेबल है, इधर ही है, वो उनको इधर मिल रही है, पूरी प्रॉपर मिल रही है, कोई ऐसी बात नहीं। तो कितने बजे तक सर दुकानें खुली रहती हैं यहाँ पर? और मोस्टली दुकानें 5 बजे तक खुली थी, आज हमने थोड़ी जल्दी बंद करवा दी। तो कैसे पता चलता है कि एक इंसान घर से निकला है और दोबारा वही आ रहा है या नहीं, किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है? वो हम उसका नोट रखा रजिस्टर लगाया, नाम नोट कर रहे हैं बकायदा उसका, उसकी गाड़ी का, उसका नाम एड्रेस, दोबारा उसको हम अलो नहीं करते। अलो नहीं करते? बिल्कुल अलो। तो पूरी तरह से स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर की गई है? स्ट्रिक्टनेस हमने एकदम इतनी की है ताकि कोई दोबारा इधर कोई देखे ना। आप खुद देख सकते हैं कोई रोड बिल्कुल खाली पड़ा, कोई इधर आ नहीं रहा। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर दर्शकों? मैसेज कोई दिए पर लोग अपने अपने घरों में रहें, गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करें क्योंकि लोगों के हित में है, देश के हित में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नायब तहसीलदार कुलदीप राज जी मौजूद थे और यहाँ पर आपने जिस तरह से सुना कि रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से लगाई गई हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं चारों ओर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि यहाँ पर एक इंसान जब घर से बाहर निकलेगा और उसे एक ही बार में सारा सामान लाना है क्योंकि एक रजिस्टर है उसमें पूरा रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन घर से कितनी बार बाहर निकला, जो एक बार निकलता है उसे दोबारा नहीं आने दिया जाता है। 5 बजे तक यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहती हैं, 5 बजे तक सामान ले सकते हैं और ये एरिया आप साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू का वो एरिया है गुजरनगर जो रेड जोन की कैटेगरी में आ चुका है और पूरी तरह से इसे सील किया गया है। और फिलहाल के लिए आपको यही बताएंगे कि अगर आप गुजरनगर साइड से आ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि बिना किसी जेन्युइन रीजन के आपको यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी।